हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम मेनली बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन होगी ही कि एसओएल के जो स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर को क्लियर करके सेकंड ईयर में अगर आप रेगुलर कॉलेज के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसे माइग्रेशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, तो इस वीडियो में बात की जाएगी कि दोस्तों किस तरह से आप माइग्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं और यूजीसी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें आपको बताया गया है उन कॉलेजेस के बारे में जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है रेगुलर कॉलेज का जो ये सोच रहा है कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइग्रेशन ले लिया था, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। इस सभी के अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसओएल के स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है एसओएल के थ्रू, तब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर जो है दोस्तों आप रेगुलर कॉलेज के थ्रू करना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको माइग्रेशन लेना होता है एसओएल से लेकर रेगुलर में जाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या रही है कि आपको जो रिजल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी बीए प्रोग्राम का भी नहीं किया गया है। तो इसके अलावा जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो रिजल्ट है अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको माइग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी के अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने ये नोटिस निकाला है, और ये जो नोटिस है दोस्तों ऑफिशियली नोटिस है, इनको आप उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि रामजस कॉलेज हो गए, इन्होंने दोस्तों ये बताया था कि अगर आप माइग्रेशन लेते हैं तो केवल रेगुलर कॉलेज के ही जो स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर माइग्रेशन दिया जाएगा, एसओएल के स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये कह रहे हैं कि इनका जो रामजस कॉलेज है ये कह रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसके बिहाफ पे आप माइग्रेशन लेंगे तब आपको मिलेगा। इन सभी के अलावा दोस्तों यूजीसी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें आपको बताया गया है कि इन सभी कॉलेजेस को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, क्या क्या इनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में भी दोस्तों न्यू नोटिस निकाल के ये बताया है, ये ऑफिशियली नोटिस है दोस्तों, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें जो माइग्रेशन लेंगे स्टूडेंट इनके आपके किस बिहेव पे लेंगे, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट और जो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट होगा उनके बिहेव पे लेंगे। लेकिन दोस्तों इन्हें अभी शायद पता ही नहीं है कि अभी सेकेंड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं इनको भी रिलीज़ ही नहीं किया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो आपके आईपी कॉलेज है वुमेन वाला है, यहाँ पर भी दोस्तों जो गर्ल्स हैं इनके लिए भी माइग्रेशन के लिए यही बात कही जा रही है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर आइए, तभी आपका माइग्रेशन हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसा सोचने वाली बात है कि अभी तक आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है इसको रिलीज़ नहीं किया गया, तो किस तरह से आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट मांग सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक न्यू नोटिस को रिलीज़ किया था, जिस नोटिस में आपको बताया गया था कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बिहाव पे दोस्तों आपको माइग्रेशन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई रेगुलर का स्टूडेंट है जो ये सोचा है कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना माइग्रेशन करा लिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सारा प्रोसेस था दोबारा से आपको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि दोस्तों आप जो माइग्रेशन है चाहे वो एसओएल का स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर का स्टूडेंट हो, उनको जो माइग्रेशन होता है थर्ड सेमेस्टर में ही मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोस्तों उन सभी कॉलेजेस को यहाँ पे वार्निंग दी है कि अगर आपने जिन स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर के बिहाव पे आपने माइग्रेशन करवाया था उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना होगा, और दोबारा से जो स्टूडेंट था जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उसको वहाँ पे दोबारा एडमिशन दिलाना होगा, और आपका जो ये प्रोसेस है इसको दोबारा से कम्प्लीट करना होगा चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर एसओएल के। यहाँ पर दोस्तों एसओएल के स्टूडेंट की बात कोई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक आपका जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है इसको रिलीज़ नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना।